सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वी आर बैक टू एनी वीडियो। सो गाइस, थैंक यू सो मच साथ रहने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए गाइस। सो गाइस, आज का जो मैच है ना, बेसिकली रैंक पुश का मैच है। लेकिन गाइस, लास्ट जोन में सब बंदे मर जाते हैं यार। सर्वाइव तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन लास्ट जब जोन आता है ना, जब लास्ट 1v1 फाइट होता है, तब हम लोगों का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो गाइस, कैसे इस प्रॉब्लम से आप लोगों को हैंडल कर सकते हो, कैसे आप सबको मार सकते हो, कैसे एवरी लास्ट मैच, मतलब यू नो लास्ट जोन का मैच आप लोग कैसे बुया ले सकते हो, और सब कुछ मैं इस डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा, दिखाऊंगा। आप लोग स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा देखने में। ओके, सो गाइस, चलते हैं वीडियो के अंदर इस छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइस, हम लोग आ गए गेम के अंदर। मैं ऑलरेडी 2 किल कर चुका था, तो उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था। 20 बंदे अलाइव थे गाइस, और मैंने 2-2 स्नाइपर ले रखा था। ओके, तो इधर बैठ के मैं लास्ट के जोन तक वेट करूंगा। टावर पकड़ लिया मैंने। ओके, तो आप लोगों को भी गाइस, लास्ट जोन में कोई परमानेंट कवर लेके बैठ जाना है। उसके बाद इधर से गाइस, थोड़ा सा सामने गाड़ी लेके मैं घूम रहा था, क्योंकि मेरे को बंदा थोड़ा सा दिखा था, सामने फाइट हो रहा था। तो मैंने क्या किया, सर्कल में जाने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि सर्कल इधर नहीं था, सर्कल सामने था। तो सर्कल में जाने के टाइम गाइस, मैं गाड़ी लेके जा रहा था। आप लोगों को भी गाइस, अगर सर्कल में अंदर जाना है, आप लोगों को गाड़ी लेके जाना होगा हमेशा, पैदल कभी भी मत जाना। ओके, उसके बाद गाइस, मैं सर्कल में अंदर आ गया, आके परमानेंट कवर ले देख लिया, क्योंकि इधर टावर खाली था। तो मैंने क्या किया, टावर पकड़ लिया। तो मैं गाइस टावर में उठ के बैठ गया आराम से। ओके, ये मेरा सोलो का फर्स्ट मैच है गाइस, आप लोग पूरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो सामने एक बंदा था, ऐसा नहीं है मैंने रश वश किया, थोड़ा सा इधर ही वेट किया, एक लैंडमाइन लगा दिया। गाइस ध्यान से देखो क्या क्या करना है आप लोगों को। लैंडमाइन लगा देना है, आप लोगों को लैंडमाइन किसी भी हालत में ढूंढना है। ओके, अगर टावर में कैंप करते हो तो इधर मैंने लैंडमाइन लगा के आराम से इधर आराम से बैठा। तो सामने से एक बंदा मेरे को ग्रेनेड मैनेट मार रहा था, लेकिन उसका भी हिम्मत नहीं हो रहा था अंदर आने की, टावर में उठने की। अच्छा बंदा था, समझदार बंदा था। तो इधर बैठ के मैं थोड़ा सा सरवाइव करने के बाद, सामने एक बंदा देखा मैंने, उसको मैंने स्पॉट कर लिया था गाइस। तो मैंने उसको डैमेज दिया, लेकिन गाइस उसने मतलब ग्लोवल का कवर ले लिया, लेकिन मेरे पास 2-2 M2 भी था, उसको मैंने आराम से मार दिया गाइस। तो अगर मैंने जो M2V का ट्रिक्स आप लोगों को दिया, कैसे चलाते हैं 2-2 स्नाइपर, वो वीडियो आप लोग अच्छे से देखना गाइस, कति जहर वाला आप लोग M2V चलाओगे, ठीक है, स्नाइपर गन चलाओगे। तो इसके बाद इधर थोड़ा सा वेट कर लिया मैंने, वेट करने के बाद टावर को छोड़ दिया गाइस मैंने। उसके बाद मैं थोड़ा सा सामने जाके बैठा आराम से, 4 बंदे अलाइव थे और लास्ट जोन भी आ गया था। तो गाइस इधर बैठ के मैं देखो एक पत्थर का कवर लेके आराम से बैठ रहा। उसके बाद इधर से थोड़ा सा निकल के मैं ढूंढ रहा था कहाँ कहाँ पर बंदे है, मतलब स्पॉट कर रहा था बंदे का पोजिशन, क्योंकि मेरे को जानना बहुत जरूरी था। लास्ट जोन में आप लोगों को भी जानना जरूरी है कि कहाँ कहाँ पर बंदे हैं, स्टे कर रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों का पोजीशन अगर जान लोगे ना आप, तो आप लोग आराम से एक जगह पर बैठ सकते हो आराम से, ठीक है। तो इस वजह से हमेशा ये कोशिश करो कि बंदे कहाँ कहाँ पर हैं, उनका पोजीशन आप लोग को स्पॉट करना होगा। ओके, तो इधर मेरे को कोई नहीं दिखा, तो इसलिए मैं इधर आके थोड़ा सा वेट किया। उसके बाद गाइस जोन एकदम लास्ट जोन आ गया था, और एक एक बंदा मतलब 1v1 का सिचुएशन हो गया था। वो बंदा भी अकेला था, मैं भी अकेला था। तो अभी 1v1 का सिचुएशन के बाद मैंने क्या क्या देखो, पहले सबसे पहले आके मैंने कवर लिया, आई मीन जोन में आके एक कवर लिया। तो आप लोगों को फर्स्ट करना है वो है कि आप लोगों को पहले जोन में आना है, लास्ट जोन में, ठीक है। उसके बाद ये देखो बंदा, इसको मैंने थोड़ा डैमेज देने की कोशिश की, ये भी ग्लूअल मार रहा था, मैं भी ग्लूअल मार रहा था। तो इधर हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया, वो भी वेट किया, मैंने भी वेट किया। तो मैंने थोड़ा ग्रेनेड मारने का कोशिश किया बहुत सारा, तो उसने पूरा पैक कर लिया अपने आप, ठीक है। तो मेरे पास M2 भी था, तो उसके बाद मैंने उसको स्पॉट करने का कोशिश की, लेकिन वो अंदर था, तो मैंने उसका पैर दिख लिया मेरे को, तो मैंने उसको पैर में गोली मार के उसको पूरा मार दिया गाइस। ऐसे करके हम लोगों ने फर्स्ट जो मैच था ना, उसको पूरा कर लिया बहुत ही आराम से। ओके, इस मैच को जीतने के बाद गाइस हम लोग आ गए हम लोगों के नेक्स्ट मैच में। सो गाइस, इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने 2 किल कर चुका था ऑलरेडी, तो लास्ट के 12 बंदे बचे थे। तो मैं इधर आराम से ढूंढ रहा था बंदे को और स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सर्कल में आके, ठीक है। तो इसमें भी गाइस देखना मैंने कैसे 1v1 सिचुएशन को हैंडल किया था, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। और एक बात गाइस, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पास में जो बेल नोटिफिकेशन है ना, उसको ऑल पे सेट करके रख दो प्लीज। ओके गाइस, उसके बाद गाइस सामने एक बंदा था, उसको मैंने स्पॉट कर लिया था, लेकिन उसको मारने गया था गाइस, क्या ही डैमेज दिया इसने मेरे को, ठीक है, BSS से। तो उसके बाद
मैंने जल्दी से जल्दी बॉनफायर मतलब लगाया और मेडिकेट मार के फुल किया अपना एचपी। उसके बाद मैं कवर में जाके ग्लोअल के आराम से उसको स्पॉट करने की कोशिश किया, लेकिन इस टाइम वो भाग गया था इधर से। ओके, तो 4 बंदे अलाइव थे गाइस, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके जोन के अंदर जा रहा था। उसके बाद गाइस मैं जोन के अंदर आके कवर लेके बैठा और सामने ग्लोअल के अंदर एक बंदा था, तो गाइस उसको मैंने डैमेज देते देते देखो ग्लोअल के अंदर ही उसको मार दिया, क्योंकि मेरे पास दो स्नाइपर था, M2 था। गाइस क्या ही बोले, एक बार आप लोग अगर स्नाइपर चलाना सीख जाते हो ना गाइस, कोई भी बंदा आपसे नहीं बचेगा। उसके बाद गाइस मैं सामने जाके इसको थोड़ा सा लूट लिया, क्या क्या है इसके पास, ग्लोअल वॉल था बहुत सारा, तो मैंने लूट लिया आराम से। लूटने के बाद गाइस इधर ही थोड़ा सा स्टेक। उसके बाद गाइस सामने जा रहा था, हम 3 बंदे बचे थे, मतलब लास्ट के 3 बंदे बचे थे मेरे को लेके, तो मैं सामने जाके थोड़ा सा वेट कर रहा था, देख रहा था उन लोगों का फाइट, थर्ड पार्टी करने का कोशिश कर रहा था गाइस इधर बैठ के। मैंने रेस्ट नहीं किया, उनको फाइट करने दिया, जब एक बंदा बचेगा तब जाके फाइट करूंगा। जैसे कि देखो एक बंदा बचा था, तो मैंने इसको डैमेज देने की कोशिश की, लेकिन गाइस ये उधर लूटने में बिजी था, तो मैंने क्या किया उसको स्पॉट कर लिया था, ग्लोअल के अंदर था वो, तो मैंने गोली चलाते रहा, लेकिन गाइस उसने दो ग्लोअल मार दिया था गाइस, लेकिन फिर भी मैंने ग्लोअल तोड़ता रहा उसका, उसको डैमेज भी देता रहा, तो ऐसे करके डैमेज उसको देता रहा, वो ग्लोअल मारते रहा, तो ऐसे ही चलता रहा। तो उसके बाद वो बंदा ग्लोअल के अंदर ही था, तो मैंने क्या किया एक ग्लोअल मार के आराम से सामने जाके ग्रेनेड मारने का सोचा, ठीक है, तो पहले रिलोड कर लिया अपना गन। उसके बाद गाइस मैंने एक ग्रेनेड मारा गाइस, बंदा खत्म, क्या ही ओपी तरीके से मैंने उसको मार दिया गाइस। तो ऐसे करके मैंने फिर से और एक बुया ले लिया ब्यूटीफुल सा, ठीक है, तो ऐसे करके हम लोगों ने दोनों मैच जीत लिए। सो गाइस आप लोगों को भी गाइस लास्ट जोन में ना वेट करके खेलना है। ओके, तो गाइस आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना। आई होप मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया दिखाया, तो बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोगों को पता ही है, तो प्लीज गाइस अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।